नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। चार नकाबपोश बदमाशों ने एक पत्नी के सामने ही उसके पति की बेरहमी से हत्या कर दी। पत्नी ने अपने ही दामाद पर हत्या का आरोप लगाया है। जब एक पत्नी के सामने उसके पति की हत्या कर दी जाए तो उस वक्त उस पत्नी पर क्या बीतती होगी, इसका आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। जबकि एक दामाद ने ही अपनी ही सास के सुहाग को उजाड़ दिया। इस घटना से चारों ओर दहशत का माहौल है। घरोंडा रेस्ट हाउस के सामने अशोका कॉलोनी में चार नकाबपोश बदमाशों ने एक व्यक्ति की उसी की पत्नी के सामने धान के खेतों में खड़े पानी में मुंह डुबोकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, मृतक की पत्नी के चिल्लाने पर उसकी पिटाई की और रात के अंधेरे में फरार हो गई। शहर में हुई इस सनसनी घटना के बाद दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। मृतक की पत्नी सुमन ने अपने इकलौते दामाद व उसके परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि रविवार की रात करीब 9 बजे राजकुमार अपनी पत्नी सुमन के साथ वार्ड नंबर 16 स्थित अशोका कॉलोनी में अपने घर जा रहे थे। सुमन देवी ने पुलिस को बताया कि रास्ते में धान के खेतों में पहले से ही चार नकाबपोश बदमाश बैठे थे। जैसे ही हम उनके पास पहुंचे तो मेरे पति को पकड़ लिया और धान के खेतों में खड़े पानी में मुंह डुबोकर हत्या कर दी। जब मैंने शोर मचाया तो उन्होंने मेरे साथ भी मारपीट की। बदमाशों के चंगुल से किसी तरह छूट छुटा कर अबला नारी कॉलोनी की तरफ दौड़ी। दौड़ते दौड़ते वह कॉलोनी के किसी घर के सामने जाकर मूर्छित हो गई। आसपास के लोगों ने महिला को संभाला, तब जाकर महिला ने उनके साथ हुई वारदात के बारे में बताया। बिजली गुल होने के कारण लोग और भी भयभीत हो गए। आस पड़ोस के लोगों ने सुमन की नंद शीला को बुलाया और पुलिस को जानकारी दी। सुमन की आपबीती सुनकर दर्जनों कॉलोनी वासी धान के खेतों की तरफ दौड़े और धान के खेतों के पानी में पड़े बेसुध राजकुमार को निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी सचिन कुमार ने रात को ही घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। चहु और नाकाबंदी कर दी गई, लेकिन पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल नहीं हुई। पुलिस ने FSL के जरिए जांच तेज कर दी। मृतक की पत्नी सुमन ने के बयान के आधार पर पुलिस ने उसके दामाद पर भी लड़की के जेठ सोनू निवासी पुंडरी कैथल दामाद के दोस्त यानी एक अन्य अज्ञात युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी, हमारे को सूचना मिली है कि सुमन है वाइफ ऑफ राजकुमार और ये यहीं पर हमारे अशोक कॉलोनी रहती है करोना में। बताने की कल देर रात की बात है, दवाई लेके और वापिस अपने घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में खेत पर थे, उस तरफ से ये घर जा रहे थे। तो इन्होंने बताया कि चार ने बताया कि सुमन को पकड़ लिया और दो ने फिर इनके हस्बैंड राजकुमार को मारना शुरू कर दिया। और वहीं पे पास में धान के खेत है, तो उसमें बता रहे हैं कि दो लोग के बाद डेथ हो चुकी है। उसमें डेथ हो चुकी है, पोस्टमार्टम के लिए गई हुई थी। तो किसी पर शक नहीं करते? इन्होंने इनकी लड़की है काजल, उनके जो ससुराल वाले हैं उनका के ऊपर इनको डाउट है, उनका नाम लिखा है। अभी तो किसी के साथ नहीं, पुलिस पार्टी गई हुई है रेड के लिए, अभी इन्वेस्टिगेशन। जी नाम बताएं अपना। मेरा नाम शीला जी। शीला बताएं, आपके भाई के साथ क्या बात हुई? जी हमने तो मरे हुआ है जी, माता काटा। कैसे हुआ? चार बंदे हमारे, दो नवाबू पकड़ी, दो नौ चेते। हम तो मरे हुए ना, उठा कर। कौन है मारने वाले? नहीं पता जी, मारना तो कौन है कौन नहीं इस बात का। अच्छा, मतलब क्या, कहाँ पर गए हुए थे बंदे? ये दुआई लेने गया था, उसकी भूख दर्द उठ गया था, अपनी भूख की दुआई लेने गया था। आए 9:30 बजे, लेकर उल्टा लग गया था। तो पर कहाँ पर हुआ हमला उनके पास? जो खंबा है यहाँ गोर पाई, दो किले गोविया कॉलोनी से, दो किले पर है।
तो आपको कैसे पता लगा? जी मेरे तो एक पड़ोसन आई बुला हुआ, मैंने ले गए मेरे दोनों लड़के गए, मैं गई, फिर एक और पड़ोस मत गया वो मैं, हम तीन चार जने लैठा कम मरे हुए ना। तो पुलिस तो जीवा मोड़ा अस्पताल में ले गए जी भाई जी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।